चिकन वेजिटेबल। देखें जी कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। चिकन वेजिटेबल बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो भी मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है, मिनटों में तैयार होने वाली है, तो आए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मून, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मून पाक फूड। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इन्हें लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। आज मैं बना रही हूँ चिकन वेजिटेबल। चिकन वेजिटेबल बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चिकन मैंने लिया है आधा किलो बोनलेस, आधा किलो मैंने मटर लिए हैं, आधा किलो गाजर लिया है, एक पाव आलू लिए हैं, आधा पाव शिमला मिर्च लिए है, दो अदद प्याज लिए हैं, दो अदद टमाटर लिए हैं, पांच से छह हरी मिर्च लिए हैं, सूखा धनिया मैंने एक चम्मच लिया है, हल्दी मैंने आधा चम्मच, नमक हसबे ज़रूरत, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच, काली मिर्च आधा चम्मच, कुटा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच, सफ़ेद मिर्च आधा चम्मच और ऑयल 1 कप। ऑयल मैंने कढ़ाई में डाल के रख दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये गर्म होगा तो फिर इसमें प्याज डाल दूँगी। प्याज फ्राई हो गए, अब मैं इसमें चिकन जो है वो डाल दूँगी। चिकन डाल दिया, अब इस चिकन का पानी खुश्क होने तक मैं इसे पका लूँगी। टमाटर और हरी मिर्च भी मैंने डाल दिया ताकि टमाटर भी चिकन के साथ साथ अच्छी तरह से पक जाए। मसाले सारे भी मैंने इसमें डाल दिए, अच्छी तरह से मैं भून लूँगी। चिकन को अच्छी तरह से भून लिया, टमाटर भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गए। अब मटर और गाजर जो है ये इसमें डाल दूँगी और 3 से 4 मिनट के लिए इन्हें भून लूँगी। मटर और गाजर को मैंने अच्छी तरह से भून लिया, अब मैं इसमें आलू डाल दूँगी। इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और 10 मिनट के लिए दम लगा के पका लूँगी। 10 मिनट के लिए मैंने दम लगा के पका लिया। आलू भी अच्छी तरह से नरम हो गए हैं। अब इसमें मैं शिमला मिर्च डाल दूंगी, 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे इसमें पका लूँगी। शिमला मिर्च पहले इसलिए नहीं डाली कि ये बहुत जल्दी जो है वो पक जाती है। शिमला मिर्च को भी मैंने 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया। चिकन वेजिटेबल बिल्कुल तैयार है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, तो आप देख सकते हैं चिकन वेजिटेबल बिल्कुल तैयार है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही जल्दी ये बनने वाली रेसिपी है।
उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचता रहे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, दुनिया और आखिरत की तमाम आसानियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह पाक आप पर अपना करम फरमाए, फजल फरमाए। इसी के साथ मैं उनको दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।